हेलो, मैं हूं अनुराग कश्यप। हमारे समाज में एक बहुत गहरी बड़ी समस्या है जिसे हम हमेशा जो है दरी के नीचे डाल देते हैं या अलमारी में बंद कर देते हैं या छुपा लेते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। और एक बहुत ही बीमारी की तरह, एक सोशल बीमारी की तरह जो समाज में फैलती जा रही है, और वह है चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। और एक उम्र होती है जब बच्चे को नहीं मालूम होता है कि क्या हो रहा है चीज़ें, उसको उसकी बॉडी फॉर्म हो रही होती है, उसके थॉट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, खुद जो है बन रहा होता है और उसको नहीं समझ में आता क्या होता है उसके साथ। वो एक बहुत वल्नरेबल स्थिति में होता है और उसके लिए प्यार के मायने जो बनाते जाए, समाज जो बनाता जाए, वो बनते जाते हैं। और वैलिडेशन ढूंढता है उसमें, बहुत लोग होते हैं जो उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी नासमझी, उसके कम उम्र का फ़ायदा उठाते हैं और उसको अब्यूज़ करते हैं। मेरे खुद के साथ 11 साल सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, जिसके बारे में मैंने अक्सर बात की, और मैं उससे उबर पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बात कर पाया जब 19-20 साल का था, और तब से मैं लगातार बात करता आ रहा हूँ। और यहाँ पे भी वही बात कर रहा हूँ कि इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए लोगों को ताकत देना ज़रूरी है, बच्चों को ताकत देना ज़रूरी है। उसके लिए रेड एफ एम बजाओ का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स और उसके अंदर हम लोग बनाएंगे जो हम लोगों से बात करेंगे, नज़र जाएंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे, इससे अवगत कराएंगे उन इसको, ताकि लोग देख सकें कि एक तरह का क्राइम है करना। और आपको बोलना बहुत ज़रूरी, यू नीड टू स्पीक अप फॉर इट। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इस बारे में बात करने से। हमें हमेशा सेक्स या सेक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में बात करने से शर्म करते हैं, उस शर्म का फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुल के डोनेट करें। रेड एफ एम 93.5 बजाते रहो, कि इस बजाओ इनिशिएटिव को पूरी तरह से सपोर्ट करें, खुले दिल से डोनेट करें, और एक मूवमेंट हम ऐसा लाएं जबकि ये हमारे समाज से पूरी तरह बीमारी जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाए। रेड एफ एम बजाओ फॉर अ कॉज के साथ जुड़ें और बचपन बचाएं।